आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कोई भी कंपनी का है, कोई भी मॉडल है और डिस्क ब्रेक काम नहीं करता है तो कैसे रिपेयरिंग करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को दिखाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर हाइड्रोलिक ब्रेक रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है और हाइड्रोलिक ब्रेक है, ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक दबाने से लीवर जाम होके रह जा रहा है, चाका जाम हो रहा है या पूरा लीवर फॉल्स हो जा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए इस गाड़ी में क्या हो रहा है, ब्रेक दबाने से लीवर अटक जा रहा है, लीवर जाम होके रह जा रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन जाम होके रह गया है। कुछ कुछ गाड़ी पर ब्रेक पूरा फॉल्स हो जाता है, कुछ कुछ गाड़ी पर लीवर जाम होके रह जाता है। तो इस गाड़ी में क्या हुआ है, ब्रेक रिटर्न नहीं हो रहा है, मास्टर सिलेंडर जाम होके रह गया है, तो इसमें गाड़ी चलता भी नहीं है। देखिए ये जो सिंबल है, ब्रेक का सिंबल है, ये तभी आता है ब्रेक दबा के जब रिटर्न नहीं होता है, तो ये सिंबल आ जाता है और सिंबल रहने से गाड़ी नहीं चलेगा, फिर हाथ से रिटर्न करना पड़ता है लीवर को, फिर गाड़ी भी चलता है। तो देखिए ऐसे रिटर्न करने से गाड़ी चलता है। इस गाड़ी में दो प्रॉब्लम आ गया है, ये जो ब्रेक लीवर है ये रिटर्न नहीं हो रहा है तो गाड़ी नहीं चल रहा है, सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है, मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो जाम होकर रह जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और चाखा भी जाम हो रहा है, सामने का जो चाखा है आप लोगों को घुमा के दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए घुमा रहे हैं, चाखा नहीं घूम रहा है, फिर ये जोर से घुमा देने से जाम हट जाएगा, फिर फ्री घूमेगा, ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ बता देते हैं, नीचे जो कैलिपर है डिस्क के वहाँ लगा हुआ है, उसका जो बॉकेट है वो भी जाम होने से कभी कभी चाखा जाम होता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपका जो फ्रंट ब्रेक लीवर है वो ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन इस गाड़ी में क्या हुआ है, ये ब्रेक लीवर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। इसका जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर में पिस्टन रहता है, उसमें बॉकेट रहता है, वो खराब हो गया है। तो ये मास्टर सिलेंडर खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छा से समझाते हैं। देखिए ये है मास्टर सिलेंडर और इस गाड़ी से खोले हैं, फिटिंग करने का टाइम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे फिटिंग होगा। और ये मास्टर सिलेंडर में जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है इसमें बॉकेट रहता है, इस पिस्टन को खोलना पड़ेगा। आप लोगों को दिखा देते हैं ये पिस्टन कैसे खोलता है। और ये पिस्टन जाम हो गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये पिस्टन दबाने से इजी दबाई देगा, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, दबाने से दब के रह जा रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। तो चलिए इस पिस्टन को खोल लेते हैं। और इस पिस्टन को खोलने के लिए ऐसा एक इनसाइड का लॉक प्लायर चाहिए, तो लॉक को दबाना होगा, उसके बाद वो लॉक खोल जाएगा। तो देखिए लॉक खोल गया है, अब लॉक निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा है। और कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है, बाइक हो सकता है, पेट्रोल स्कूटर मोटरसाइकिल हो सकता है, सभी मॉडल में सेम प्रोसेस है। तो देखिए ये लॉक हमने खोल लिए हैं, अब ये पिस्टन निकल लेना होगा, ऐसे नहीं निकल रहा है, तो हमने उल्टे तरफ स्क्रू ड्राइवर दे के ऐसे ठोक लेंगे तो इजी निकल जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा जाम हो गया है, देखिए ऐसे निकल गया है। ये है पिस्टन, और पिस्टन के अंदर एक स्प्रिंग रहता है और दो बॉकेट रहता है, आप लोगों को दिखा देंगे। ये बॉकेट जाम हो गया है, देखिए ये जो काला काला है रबर का, यही है बॉकेट, ये नीचे एक और ऊपर एक है, ये वाला यही है बॉकेट रबर का, और इस बॉकेट को पिस्टन रिंग भी बोलता है। तो देखिए इसमें जाम हो जा रहा है, तो ये बॉकेट नया लगाने से ही हो जाएगा, पूरा पिस्टन पिस्टन रिंग मतलब पूरा बॉकेट सेट नया लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपको बॉकेट सेट नहीं मिल रहा है पिस्टन पिस्टन रिंग सेट, तो टू व्हीलर का जो इंजन स्कूटर है, पेट्रोल स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसका आप लोग मैच करके लगा सकते हैं। मैच करना होगा कौन सा साइज का इसमें लगेगा, आपको सेट मिलता है तो भी सही है, नहीं तो ये दोनों बॉकेट मिलता है काला काला, ये दोनों रिंग ऊपर का नीचे का वो भी मैच हो जाता है तो भी सही है। तो चलिए हम नया लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को ये बॉकेट फिटिंग करके दिखाते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम था, समस्या था, वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए बॉकेट फिटिंग करने का जो प्रोसेस है, स्प्रिंग दे के लगाइए, उसके बाद लॉक लगा लीजिए, ये वाला लॉक जो खोले थे पहले। और ये पिस्टन फिटिंग करते करते आप लोगों को बताते हैं, कोई भी मॉडल कोई भी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है, सभी में सेम प्रोसेस है। तो चलिए ये लॉक लगा लिया, तो देखिए ऐसे इजी दबने से दबाई देगा, देखिए अभी इजी दबाई दे रहा है, पूरा रिटर्न हो रहा है।
अब इसके बाद एक रबर रहता है, रबर को लगा लीजिए। उसके बाद आप लोगों को फिटिंग करते करते कुछ पॉइंट बताते हैं जो मेन चीज़ करना है आप लोगों को। तो चलिए ये ब्रेक स्विच भी लगा लेते हैं, जो सेंसर का स्विच है ब्रेक दबाने से जो सिंबल आ जा रहा था वो भी अब बंद हो जाएगा। और देखिए ये जो ब्रेक लाइन है ऑयल पाइप, इसमें दो वाशर रहता है बोल्ट पर, पहले एक और लास्ट में एक, ये ध्यान देके दीजिएगा नहीं तो ऑयल लीक करेगा। और ये मास्टर सिलेंडर लगाते लगाते और एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जब भी मास्टर सिलेंडर खोलेंगे आप लोग नीचे पाइप खोल के ऑयल मत निकालिए, नहीं तो एयर ले लेगा और एयर निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। हमने जहाँ पर खोले थे मास्टर सिलेंडर का पाइप वहीं से खोल के ऑयल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ऑयल रिजर्वर खोल के ऑयल डाल लेते हैं। इस पर ब्रेक ऑयल लगता है, तो देखिए हमने ब्रेक ऑयल डाल दिया। उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा ढाका खोल के दबाने से ही ये ब्रेक लीवर हार्ड हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे हार्ड हो जा रहा है, ऑयल जितना पाइप के अंदर जाना था वो जा रहा है। देखिए ऐसे करके ऑयल देके फिलअप कर दीजिए, उसके बाद ऑयल रिजर्वर ढाका लगा दीजिए जैसे हमने दिखाया है। देखिए अब ये ब्रेक हार्ड हो गया है, देखिए हो गया ब्रेक, सही से काम कर रहा है। अब चाखा घुमा के दिखा देते हैं, देखिए चाखा भी फ्री घूम रहा है, ब्रेक भी सही से पकड़ रहा है, पूरा ठीक ठाक काम कर रहा है। ऐसे करके आप लोग हाइड्रोलिक ब्रेक का काम कर सकते हैं। और इसी तरह नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेक्निकल हेल्प एम के चैनल को। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में जानना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।